अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। बिलवड गॉड हेल्प अस ऑल टू लव यू मोर एंड स्टिल येट मोर till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avtaar Meher Baba ki jai, Avtaar Meher Baba ki jai, Avtaar Meher Baba ki jai. Aap sabhi ki or se main Baba ko jai Baba kehti hoon, Dada ko. Abhi Dada ki chita jal rahi hai wahan par. जय बाबा। सर आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना? जय बाबा। हाँ श्वेतांबरी आप और सर जी आज प्रेयर मी म्हणेल ताई जी। सुरुवातीला 2 मिनिट मौन पाळून आपण श्रद्धांजली अर्पण करायची का? चालेल चालेल, अगदी माझ्या मनातले बोलले। जय बाबा, जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। या रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी ऑन। अवतार मेहर बाबा की जय। चला, प्रियतम मेहर प्रभु की जय, मौनेश्वर मेहर भगवान की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। हमारे काका बोलते हैं, हमारे प्रभु काका बोलते हैं, जो मेहर प्रेमी कॉन्शियसली मेहर बाबा से विलीन होते हैं, ऐसे में श्री बाड़ेब काका थे और वो निश्चित ही मेहर बाबा के अस्तित्व में समावेश हो गए हैं, इसलिए हम मेहर बाबा को थैंक यू कहते हैं। जय मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू, थैंक यू। जय बाबा, बिल्कुल काका ने सही कहा है कि वो रात भर तो लगातार रटते थे बाबा का नाम, और बैठी सिचुएशन में बाबा का नाम लेते लेते ही हो गए है बाबा के पास, और जब उनको रिवाइव किया आर्टिफिशियली तब भी वो स्टेट में भी बाबा का नाम रख रहे थे, बाबा का दर्शन भी हुआ, और यहाँ पर भी अभी भजन आरती सब करके उनको अग्नि दिया है, अभी चिता उनकी जल रही है, हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं, बाबा अपना काम कर रहे हैं। तो आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सबको। बाबा दादा की तरफ से प्रेम पूर्वक जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। धन्यवाद। निष्काम कर्मयोगी यालाच म्हणतात,
की आपल्याकडे कोणतेही प्रसंग असो बाबांचं काम कधीही थांबत नाही. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. जय जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. तो सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा. द बॉयज किताब हम पढ़ रहे हैं. ये अद्भुत किताब है. प्रेमाश्रम द प्रेमाश्रम डेज विथ मेहर बाबा एंड एवर आफ्टर. तो बाबा के साथ जो प्रेमाश्रम के दिन थे और उसके बाद के जिस दिन कैसे थे इसके बारे में इसमें दिया है इस किताब में. तो पिछली बार हम रुके थे पेज नंबर 3 पर. अस्पंदायर के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने एक कहानी वहां सुनी थी कि वो अपनी बहन के लिए मेडिसिन लाने गए और बर्फीले तूफान में फंस गए. इसके बारे में हम देख रहे थे. तो जब ये प्रसंग उनके ऊपर आया तो उनको बहुत पुरानी एक कहानी जो बाबा के प्रेमाश्रम में उन्होंने सुनी थी वो याद आई. तो यहाँ पर ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रेक थ्रू टू मेहर बाबा इवोकिंग प्लीडिंग फॉर हिज असिस्टेंस. जैसे बर्फीले तूफान में वो फंस गए. ना घर जा रहे जा सकते ना वापस जा सकते ना मार्केट जा सकते. और वो गधे पर गए थे. वो गधा भी जम गया बर्फ में बैठ गया. तो ये बहुत हताश हो गए कि अब मैं इस बर्फीले तूफान में मर जाऊंगा. मैं क्या करूँ. तो उन्होंने बाबा को साथ दिया. बाबा की बाबा को याद किया और बाबा को विनती की कि उनकी सहायता करें. और उसी समय में उनको एक पुरानी याद आया. ए स्टोरी आई नेवर गेव मच क्रेडेंस टू ब्रो इन टू माई हार्ट. पुरानी एक कहानी जिसको मैंने कभी दिल पर नहीं लिया था. दिल से उसे एक्सेप्ट नहीं किया था. इसको इतना अहमियत नहीं दी थी. एकदम से मेरे मन के अंदर या मेरी स्मृति या मेरे हृदय के अंदर या अंतकरण में उसे मैंने याद किया. अब वो क्या कहानी थी वो आगे देते हैं. परफेक्ट माँ यू आर नॉट ऑडिबल. Am I audible, Shwetambri ji? उनको बता दीजिए रिपीट करें. आपका थोड़ा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ मतलब आवाज नहीं आ रहा था थोड़ी देर. ओके अब आ रही है आवाज. यस ओके ठीक है. तो मैं वापस रिपीट करती हूँ कि ये जो परफेक्ट मास्टर थे ताहिर ए ओरियन ये बर्फीले पहाड़ पे नंगे बैठ जाते थे मेडिटेशन के लिए. उसको एकदम बर्फीला सब ग्राउंड रहता था. जमीन रहती थी. हमदन में ये पहाड़ था. अलवन माउंटेन करके उसका नाम था. और उसके ऊपर ये एकदम नंगे ऐसे बदन पर कोई कपड़े नहीं ऐसे वो बैठ जाते थे मेडिटेशन के लिए. द आइस एंड स्नो मेल्टेड अराउंड हिम. इनके अगल बगल की बर्फ पूरी पिघल गई. अ ब्यूटीफुल वार्म वेट स्पॉट एनसर्कल द परफेक्ट मास्टर ऑफ हमदन ऑलवेज. तो ये जो ताहिर ए ओरियन थे इनके अगल बगल में इतनी बर्फीली पहाड़ पर भी एक गर्माहट महसूस होती थी. जो प्यारी प्यारी सी ठंड में जो प्यारी सी गर्माहट होती है वो थे वो रहती थी. और उनके अगल बगल में बर्फ पिघला तो वो भी दिखाई देता था गीला सा. उनके अगल बगल की पूरी बर्फ पिघल जाती थी. देखो इतने बर्फीले पहाड़ पे वो नंगे बदन बैठते थे. वो फ्रोजन होने के बदले उनके अगल बगल की बर्फ पिघल जाती थी और गर्म रहता था वहां का एटमॉस्फेयर. ब्लस्टरिंग स्नो कोल्डर नो हेल्प इनसाइड. तो ये जब कहानी तब सुनी थी अस्पंदायर ने तो उन्होंने गौर किया छे ऐसा कैसा हो सकता है. ऐसा उनका रवैया था. पर अब वह स्वयं जब ये बर्फीली पहाड़ तूफान में फंस गए. एकदम बर्फबारी चल रही है. ठंडा ठंडा हो रहा है और अगल बगल में दूर दूर तक कोई मदद की कोई आशा नहीं है. कोई मदद नजर में नहीं आ रही है. तो उन्होंने एकदम बाबा को याद किया. I feel I will die here and never see Baba in India again.
उनको लगा कि मैं यहाँ मर जाऊंगा और भारत में बाबा को वापस कभी नहीं देख पाऊंगा। यहाँ मैं 2 मिनट रुकती हूँ, सर का माइक ऑन है और मेरा ये जो मोबाइल से मैंने लॉग इन किया उसकी बैटरी डाउन है। मैं मेरा मोबाइल में देखती कुछ बचा है वो ख्याल नहीं आया, अरे मेरा तो 27 ही है। चलो हम आपको आवाज मेरी सर आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है, जब तक चलता है 24% ही है बैटरी और सारे लोग निकल गए, हस्बैंड भी अभी गाड़ी लेके चले गए तो मेरे पास चार्जर भी नहीं है और ये ख्याल नहीं आया, जब तक चलेगा चलेगा, दूसरा फोन मैं बाद में चालू करूंगी और फिर यदि फिर भी नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ा लेना, तब तक मैं आगा अली और अस्फन नायर कम्प्लीट कर पाऊंगी होपफुली। आप रिकॉर्ड करते रहिएगा, बीच में नहीं आवाज आएगी तो। जी हाँ, आप आराम से दूसरा फोन चालू करके भी आप शुरू कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड कर लूंगा, दोबारा रोक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, अभी तो चल रही है ना, श्वेतांबरी भी रिकॉर्डिंग करेगी, अब भी करना। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। हाँ, और श्वेतांबरी से मैं ये पूछना चाह रही थी कि चूंकि अभी होस्ट ये है तो ये आउट हो गए तो भी मीटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं कोई बात नहीं, अरुण जी करेंगे ना कंटिन्यू। जी जी आप सब लोग कंटिन्यू करना, आपको जारी रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मैं प्रेयर बोलने वाली हूँ पक्का। हाँ ठीक है आरती का फिर सुरेखा ताई को दे देना, अभी अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। ठीक मेरा मेरा जो है पेज 7 से है प्रिपेयर्ड। जी जी कोई बात नहीं, तब तक मैं संभाल लेती हूँ। हाँ ये अपना आधा रहा था पिछली बार, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक तो हाँ जय बाबा। आगे हम है पेज नंबर 4। अब यहाँ जब बर्फीले बारिश में ये अस्पंदायर फंसे हैं तो सर आगे वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वही मर जाऊंगा और मैं बाबा को कभी भारत में जाके वापस देख नहीं पाऊंगा, मिल नहीं पाऊंगा। सडनली अ फीलिंग ऑफ बॉइलिंग वाटर पोरिंग ओवर मी कमिंग फ्रॉम हमदन फ्रॉम बाबा, और ऐसे में एकदम जैसे उन्होंने बाबा की याद की, बाबा को पुकारा तो उनको ऐसा लगा कि उबला हुआ बाल्टी, उबला हुआ पानी का बाल्टी कोई उनके सर के ऊपर डाल रहा है। द स्नो एंड आइस मेल्टिंग, पूरा जो बर्फ है पूरा पिघल गया। द डोंकी इज सडनली रिवाइव, जो जम गए नीचे बैठ गया था, डोंकी भी ऑलमोस्ट मरने की हालत में था, वो भी एकदम रिवाइव हो गया, वो भी जीवित हो गया अचानक से। ऑफ वी गो टू कलेक्ट द मेडिसिन, और हम दवा लाने के लिए गए एंड बैक होम सक्सेसफुली, और वहां से घर भी वापस आ गए। ए लाइट फूटेड एंड टाइमलेस पैसेज, एकदम जैसे कोई समय ही नहीं बीता, ऐसे आराम से हमारी यात्रा हुई इतनी बर्फीली तूफान में। ये जब हुआ तब ये अस्पंदर कहते हैं मुझे महसूस हुआ, वो जो परफेक्ट मास्टर की कहानी को मैं झुककार रहा था इतने दिन ताहिर ए ओरियन की, कि वो सही में वास्तव में घटी होगी, ऐसा मुझे जब मैंने अनुभव किया कि बर्फीले तूफान में फंसने के बावजूद अचानक जहाँ कोई भी नहीं है और एकदम उबला हुआ पानी मेरे ऊपर गिरता है, तो मैंने महसूस किया कि वो सही है, वो जो कहानी को मैं झुककार रहा था वो मुझे याद आई। एंड नाउ आई नीड हेल्प अगेन, अब ये कौन सी परिस्थिति है, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, ये गिरे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है, पैर में नोच है, वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते हैं, उनको उनकी वाइफ भी बिस्तर पर लेती है, बीमार है, उसको एक गिलास पानी चाहिए लेकिन पानी देने के लिए कोई नहीं है, ये बिस्तर पे लेते हैं, इनको बाथरूम जाना है, बाथरूम ले जाने के लिए कोई नहीं है, ये वाइफ की मदद करना चाह रहे हैं कि पानी उसको दे दूं लेकिन वो भी वो कर नहीं पा रहे, हाथ फैला के, तो बहुत डेस्परेट उनको अवस्था लग रही थी, और उन्होंने बाबा को याद किया और वो कहते हैं कि अब वापस, वो एक प्रसंग था कि मैं बर्फीले तूफान में फंसा था तब मैंने बाबा को याद किया और बाबा ने तुरंत मदद की थी, मतलब आश्चर्यकारक रीत्या, और आज है कि अगेन आई नीड हेल्प अगेन, मुझे वापस आज बाबा की मदद चाहिए। माय डेस्परेट हार्ट हैड ब्रॉट द फ्रीइंग हॉट वाटर, ये जो मेरा हताश हृदय था उसने बाबा को पुकारने के बाद मुझे ये गर्म पानी मिला, फ्रीइंग हॉट वाटर। ओ हु इज देयर, अब ये जो है
आगे पीछे इनकी कहानी चल रही है, कभी ये पिछला बता रहे हैं, कभी आगे का बता रहे हैं, हम समझ के चलेंगे। तो अब जो ये बिस्तर पे पड़े हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, उनको चाहिए एक गिलास पानी अपनी पत्नी को देना है, खुद को बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, और उतने में कोई आ जाता है अचानक दरवाजे पे। वो पूछते हैं कौन है। My son is suddenly at the door to pick his helpless father up off the floor and comfort his dear mother. जब ये अपनी पत्नी को गिलास भर पानी देने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं खाली हाथ लंबा करूंगा तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो बिस्तर से नीचे गिरे। अब उनको मदद चाहिए कि कोई उनको उठाए, और अचानक से उनका बेटा आया और उन्होंने उनको जमीन पे से उठाकर बिस्तर पे लिटा दिया, और उन्होंने अपने माता जी की भी मदद की, उनको पानी का गिलास दिया। माई Happening for India and the joy of those years, I'm sure prompted his arrival in our sisters. वो कहते हैं कि 1927 से 1929 तक मैंने कुछ महीने भारत में बिताए, वो जो आनंददायी दिन थे वो उन्हीं के कारण ये मदद मुझे बाबा से मिली। तो ये अस्पंदायर वेस्ली है, इनके काफी सारे वीडियोस हैं, इनके इंटरव्यूज है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, सेपा करके एक चैनल है ईरान वालों का, तो ये सेपा चैनल में भी ये काफी सारे वीडियोस उनको उनके आपको सुनने मिलेंगे, जिसमें ये स्वयं अपनी सारी कहानियां बताते हैं, प्रेमाश्रम के दिन के उनके अनुभव भी बताते हैं। अब आगे हम चलेंगे 5 नंबर पेज। हम देख रहे हैं द वॉइस ग्रुप में 3 लोगों का संक्षिप्त परिचय इन्होंने शुरू में दिया है, वो संक्षिप्त परिचय हम पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था अब्दुल्ला पकरवान, अब हमने अस्पंदायर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आगा अली। आगा अली के बारे में कई सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, क्योंकि सॉप्स एंड थ्रॉप्स किताब हमने पढ़ी है, मतलब हमने ग्रुप में नहीं पर लोगों ने पढ़ी है। जब हम भोपाल में थे तो उसका वाचन होता था और मीटिंग्स में वाचन होता था। तो ये सॉब्स एंड थ्रॉब्स किताब के माध्यम से आगा अली का संक्षिप्त परिचय, मतलब वो बाबा के प्रेम में इतना डूबा था, वो बंबई से था, उसके पिताजी बार बार उसको लेके जाते थे और वो वापस वहां से भाग करके मुश्किलें सहन करके, जब जेब में पैसा नहीं, भूखा प्यासा बिना खाए पिए वो बाबा को मिलने वापस आ जाता था मेरा बाबा। तो ये आगा अली का यहाँ संक्षिप्त परिचय पेज नंबर 5 पे। द ओनली प्रेमाश्रम बॉय टू ट्रैवल टू द यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका इन कंपेनियनशिप विद मेहर बाबा इन द अर्ली 1930s। तो 1930 के दशक में के शुरू में मेहर बाबा के साथ, मेहर बाबा इसे अपने साथ अमेरिका और लंदन लेके गए। प्रेमाश्रम का ये अकेला लड़का था, बच्चा था, कि जिसे बाबा अमेरिका और लंदन अपने साथ 1930 में लेके गए, मेहराश्रम प्रेमाश्रम बंद करने के बाद भी। एंड येट नेवर टू सी बाबा फिजिकली अगेन आफ्टर दे मेट ब्रीफली फॉर द लास्ट टाइम ऑन March 3, 1935। इसके बावजूद 3 मार्च 1935 में जब वो बाबा से विदा हुआ, जब बाबा ने उसे अपने से अलग करके भेज दिया, इसके पश्चात कभी भी वो बाबा को भौतिक रीत्या प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली वापस कभी भी वो बाबा को मिला नहीं। अली इज मंथ्स एट द प्रेमाश्रम वेयर जॉयस। प्रेमाश्रम में अली के दिन, जो महीने कुछ चंद महीने वो वहां था, बड़े आनंद आए थे। Even with the agonizing separation, तड़पने वाले वो जो विदा था, बाबा से जुदाई थी, कि उसके पिताजी उसको लेके जाते थे और बाबा को मिलने के लिए वो तड़पता था, ये सेपरेशंस के बावजूद उसके दिन वहां के बड़े आनंददायी थे। हाँ जी, अली's father would one day support his son's attendance at the ashram and the next fiercely push to extract him from the colony. हाजी अली जो आगा अली के पिताजी थे सैयद, वो क्या करते थे कि कभी उसको वहां रहने के लिए अनुमति देते थे और कभी उसको वहां घसीट के लेके जाते थे आश्रम से। बाबा के लिए बड़ी सरदर्द हो गई थी, लेकिन आगा अली के माध्यम से बाबा बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, क्योंकि आगा अली के आने और जाने के ऊपर कई सारी गतिविधियां प्रेमाश्रम की और महत्वपूर्ण कार्य निर्भर थे, ये हम आगे देखते हैं। अब वो क्या था ये सीक्रेसी तो बाबा ही जाने। आगे यहाँ चलते हैं। बाबा
this Irani God man, what is he doing to our son? वो जो हाजी अली है, अली के पिताजी, वो कहा करते थे, वो अचरज में पढ़ते थे कि ये बाबा जो है, जो ये ईरानी व्यक्ति है, ये मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहा है, मेरे बेटे के साथ ये क्या कर रहा है. हाजी fell constantly under the stinging comments of family and friends in Bombay. Bombay में इनकी family थी और अपने परिवार से, अपने दोस्तों से उनको हमेशा चुभने वाली टिप्पणियां मिलती थी, क्योंकि वो बाबा के पास अपने बच्चे को भेजते हैं रहने के लिए. All staunch Muslims, ये सब कट्टर मुस्लिम थे. All so critical of the Parsis who carried their Zoroastrian beliefs from Persia to India. ये जो मुस्लिम थे, ये पारसी लोगों के बड़े आलोचक थे, जो कि पारसी लोग जो Zoroastrian, वहां से Zoroastrian belief को, Zoroastrian आस्था को पर्शिया से भारत में लेके आए थे. अली's life after 1935 was full. 1935 के पश्चात अली का जीवन पूरा था. वो कैसा था? तो जो भौतिक जीवन हम किसी प्रकार से जीते हैं, इस प्रकार का जीवन वो 1935 के बाद जिया, क्योंकि 3 मार्च 1935 को वो बाबा से जुदा हो गया. वो कैसा जीवन था अली का? वन वाइफ इन बॉम्बे एंड अनदर इन कराची. दो दो बीबियां थी उसकी, एक बंबई में थी, दूसरी कराची में थी. अली's father had married him off twice. उसके पिताजी ने उसकी 2 बार शादियां करा दी थी. So determined to keep his son in the material world far away from the spirituality that molded, encompassed and consumed him at Mirabad in the late 1920s and held him for years after. 1920 में जो मेहराबाद का वातावरण था आध्यात्मिक, जिस आध्यात्मिक वातावरण ने इस आगा अली को पूरा बदल दिया था, उसके अगल बगल में पूरी आध्यात्मिकता थी. ये कहते हैं कि वो आध्यात्मिकता से बहुत दूर, उस आध्यात्मिकता से बहुत दूर जिसने उन्हें 1920 के अंत में मेहराबाद में ढाला था, घेर लिया था और वर्षों तक अपने पास रखा था, ऐसी आध्यात्मिकता से अपने बच्चे को अलग करने के लिए उसके पिताजी पूरी कोशिश कर रहे थे. वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आध्यात्मिकता में लिपटा रहे, इसलिए उन्होंने उसकी 2-2 शादी करा दी. अली's journey through life after मेहराबाद was not a quick study to so-called normalcy. अब मेहराबाद जाने के पश्चात मेहराबाद में जो वातावरण उसे मिला, जो एटमॉस्फेयर उसे मिला, जो प्रेम भरा वातावरण था, उससे और मेहर बाबा से दूर जाने के पश्चात ये जो साधारण जिंदगी है, नॉर्मल लाइफ है, वो जीना अली के लिए इतना आसान नहीं था. स्वाभाविक है. Although he physically parted from Baba in March 1935, he would plead over and over again with Baba to be allowed to return to Mirabad. 1935 में जब बाबा ने आखिरी बार उसको अपने से जुदा करके उसके पिताजी को सौंप दिया, तो वो बार बार बाबा से अर्जी करता रहा कि मुझे वापस अपने पास बुलाओ. ऐसी विनती आगा अली करता रहा. वो इस बार दौड़ के भाग के पिताजी से नहीं आया, क्योंकि ये बाबा की आज्ञा से गया था और बाबा की आज्ञाओं का वो बच्चे पालन करना खूब जानते थे. At their last physical contact in 1935, Ali wept when Baba told him to return to his worldly life. 1935 में जब आखिरी बार वो भौतिक रीता बाबा से मिला, तो फिर उस समय जब बाबा ने उसे अपने से दूर भेज दिया, तो अली बहुत रोया जब उसको ये भौतिक जीवन जीने के लिए बाबा ने अपने से दूर कर दिया, तब अली बहुत रोया. इन द लास्ट इयर्स ऑफ 1930s अली कंटिन्यूड टू सेंड हार्ट रेचिंग लेटर्स टू बाबा आस्किंग अगेन एंड अगेन टू रिटर्न टू द फोर्ड. इसके पश्चात 1930 वर्ष के पश्चात अली बाबा को हृदय द्रावक खत भेजते रहा, पुनः पुनः वो विनती करते रहा
कि वापस उसे बाबा अपने फोल्ड में ले ले, अपने पास आने की अनुमति दे दे। ऐसे खत में हृदय द्रावक खत, वह बहुत सुंदर खत बाबा को लिखता था। And then just a few years later, Ali's position as the brave hero in Meher Baba's fold fell away as he was swallowed up forever in the outer world. Shwetambari Nishikant Naik cha chalu hai. Acha mujhe malas karay lagun ka te. Nishikant Naik bhau. Ha, please mic bandh the wala. श्वेतांबरी आपका माइक भी ऑन है, माइक कोई ऑन नहीं करे बीच में प्लीज, फिर रिकॉर्डिंग पूरी खराब हो जाती है, इको भी आता है। कुछ सवाल है, कुछ शेयर करना है तो आप बताइए, वैसा करेंगे। आपके पास चार्जर है नेहा जी? प्लीज, ये सादा है, सी वाला नहीं है, सिंपल, लेकिन मुझे वहां बैठना पड़ेगा। आई विल सिट देयर, मुझे दो मिनट माफी देना हाँ, क्योंकि ये रेड पे आ गया, बंद हो जाएगा। मैं तुरंत ये डेरा यहाँ से उठा के मंगा सकती हूँ। यही रहती है बिजली में जगह, तो यहाँ चार्जर है। I'm sorry for this disturbance. Hopefully, ये अभी हो जाएगा ना, बाकी नहीं दिख रहे ना, आ जाएगा। जय बाबा, थैंक यू। आपके पास मिल गया है, बात है। पूरा है, ठीक है। यस, ऑडियो एंड वीडियो आर फाइन। या ऑडियो एंड वीडियो आर फाइन। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर ये आवाज भी आ रही है ना, मेरे पास में आ रही थी सर, आ रहा है बाबा की तरफ से। यस यस, आवाज भी आ रही है जी। ओके, तो एंड देन जस्ट फ्यू इयर्स लेटर, हम लोग पांच नंबर पेज पे है। जस्ट फ्यू इयर्स लेटर, अली'स पोजीशन एज द ब्रेव हीरो इन मेहर बाबा स्कूल फिल अवे एज ही वाज स्वालोड अप फॉरएवर इन द आउटर वर्ल्ड। और फिर धीरे 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 ये जगत में जैसे वो फंस गया, तो फिर बाबा का जो एकदम ब्रेव बॉय करके उसका जो यहाँ एक हीरो करके उसकी तस्वीर यहाँ पर मेहराबाद में थी, वो धीरे धीरे धुंधली होती गई कुछ सालों के पश्चात, और यहाँ पर ये आगा आने के बारे में पूरा हो गया। तो मैं अभी सर से विनती करती हूँ, नेहा जी प्लीज मेरा वो भी फोन दूंगी प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग यू ऑल दिस थिंग्स, आपको बाबा ने भेजा मदद के लिए, थैंक यू सो मच। नेहा जी भी है यहाँ पर, ये पेज नंबर 7 पर सर शुरू करेंगे प्लीज जी। सो any introduction of part 1 you want to give before, because I don't have the previous any page. Yes sir, I am my gift karti hu. Ab yahan hum thoda sankshipt mein parichay dekha in teen bachchon ka, ab hum aage dekhne wale hain mukhya bhav jo hai 1927 se leke 1929 tak, ye premashram ke din aise the, ye jo mahatvapurna hissa hai ये 20 पेजेस में है। इसमें हम जानेंगे कि प्रेमाश्रम के दिन कैसे थे, दिनचर्या क्या थी,
कौन उनके मैनेजमेंट करते थे, बच्चों का क्या रहता था, दिनचर्या क्या रहती थी, ये सब हम आगे देखने जा रहे हैं। ये 2 साल का जो समय है 1927 से लेके 1929 तक का, ये प्रेमाश्रम का समय अब हम देखने जा रहे हैं। Part 1, page number 7, प्रेमाश्रम 1927 and 22-29। तो मेरी विनती है, किसी का तो भी माइक ओपन है, मैं यहाँ से बंद कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। तो आप लोग खुद ही अपने माइक बंद करके रखना ताकि डिस्टरबेंस नहीं हुए। थैंक यू। जय बाबा। यस सर, आप पढ़ सकते हैं इसको प्लीज। जय बाबा। जय बाबा, सभी को मेरी जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सो आई विल स्टार्ट दिस पार्ट वन ऑफ दिस बुक द बॉयज and this title is Prem Ashram, which is from 1927 to 1929. So Meher Baba's courtship of international youth in the late 1920s is historically unmatched. World events unfolded during 1927 to 29 as young multi-faith boys were recruited for spiritual purposes on that Indian hillside. Now these, what these events, so, world events were? Yeah. Okay, continue. Yeah. So Baba lists here some of these world events. So Charles Lindbergh flew from New York to Paris on the first non-stop Atlantic flight. The United States and Canada began diplomatic relations. And another event was 41,000 people died in an earthquake in China. And another event was a lady called Babe Ruth became the highest paid baseball player at $71,000 a year. Now, okay. Neelam will read in Hindi. Okay. Yeah. Okay. Thank you. खास नहीं है लेकिन टूटी फूटी हिंदी में बोल देते, नेहा जी है हमारी मदद के लिए। 1920 के दशक के अंत में मेहर बाबा का अंतरराष्ट्रीय युवाओं से प्रेमालाप ऐतिहासिक रूप से बेजोड़ है। 1927 से लेके 1929 के दौरान विश्व की घटनाएं सामने आई, जब उस भारतीय पहाड़ी पर आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए युवा बहु आस्था वाले लोगों को भर्ती किया गया था। जब ये प्रेमाश्रम मेहराश्रम के दिन चल रहे थे कि सब जाति धर्म के आस्था के पंथ के बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, वहां का जो 27 से 29 दो साल महत्वपूर्ण कार्य बाबा ने किया, बाबा ने ये उजागर किया था कि दीज बॉयज दे आर सिंबॉलिक, पूरे विश्व के लिए उनके मार्फत में कार्य कर रहा हूं, ऐसे बाबा ने कहा था। हम कभी उसको अंदाजा नहीं कर सकते कि वो क्या कार्य कर रहे थे, परंतु उसी दौरान 27 से 29 तक जो कोई घटनाएं हुई, तो ये राइटर के हिसाब से जो इन घटनाओं का मेल है कि बाबा के कार्य से, उसको उन्होंने आगे दिया है कि विश्व में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इस दौरान हुई कि हम उसका मेल बाबा के कार्य से कर सकते हैं। चार्ल्स लिंडबर्ग ने पहली नॉनस्टॉप अटलांटिक उड़ान पर न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए उड़ान करी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने राजनीतिक संबंध शुरू किए, जो एक उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, और जो महायुद्ध के रिलेशन में संबंध में। चीन में भूकंप से 41,000 लोगों की मौत और बेबेरुथ $71,000 प्रति वर्ष पर सबसे अधिक वेतन पाने वाली बेसबॉल खिलाड़ी बन गए। तो इन्होंने ये जो बेसबॉल खिलाड़ी है बेबेरुथ, उनका भी संबंध उससे किया है। खेल कूद में बाबा ने हमेशा दिलचस्पी रखी, बच्चों को भी वो सारे खेल सिखाते थे, यहाँ तक स्विमिंग भी सिखाते थे, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। ऑन ए वर्ल्ड स्केल Aga Ali's difficult relationship with his father seemed a minor ripple, but the turmoil it created gave Baba's disciple Ramju, that is, his name was Abdul Karim Abdullah, fodder for his book on the Prem Ashram called Sobs and Throbs. Thank you, sir.
विश्व स्तर पर आगा अली का अपने पिता के साथ कठिन रिश्ता एक छोटी सी लहर लग रहा है। मतलब जो आगा अली के पिताजी, जैसा हमने अभी देखा कि कभी कभी वो अनुमति देकर खुद ही स्वयं लेके आते थे और दाखिल करते थे आगा अली को स्कूल में, और कभी कभी आ करके गुस्से में उसको लेके जाते थे, किसी की भी ना सुनते थे। तो इसका ये विश्व में जो घटनाएं चल रही थी उसके साथ कोई रिलेशन जरूर था, ऐसा ये कहते हैं। लेकिन इससे पैदा हुई उछल पुथल ने बाबा के शिष्य रमजू, उनका नाम था अब्दुल करीम अब्दुल्ला, रमजू अब्दुल्ला जी जो हम जानते हैं, इनको प्रेम आश्रम सॉब्स एंड थ्रॉब्स पर अपनी किताब के लिए विषय दे दिया। हालांकि बाबा ने इनको कहा था कि आगा अली पर किताब लिखी जाए, और इनका कहना है कि इसके कारण रमजू अब्दुल्ला ने आगा अली के ऊपर जो किताब लिखी सॉब्स एंड थ्रॉब्स। In the opening pages, Ramju lays down his thoughts on Ali and his father. In all the history of the divine attempts at purifying the individual souls from the imagination of matter, Maya has never taken it lightly. Thank you, sir. So, यहाँ रमजू, जिनका असली नाम अब्दुल करीम अब्दुल्ला था, दैनीय प्रयासों के जो वो कहते हैं अपनी किताब में सॉब्स एंड थ्रॉब्स में, जो पूरा कहते हैं दैवीय प्रयासों के पूरे इतिहास में, वस्तु कहो पदार्थ कहो या मैटर कहो, कि अब वस्तु के मैटर की कल्पना से व्यक्तिगत आत्माओं को शुद्ध करने प्रयासों को माया ने कभी भी हल्के में नहीं लिया। मतलब ये जो हिस्ट्री है, डिवाइन हिस्ट्री, तो किसकी है? दैवी हिस्ट्री किसकी है? जीवात्मा से लेके परमात्मा या शिवात्मा का प्रवास, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये कैसा है? एक आत्मा को गॉड रियलाइजेशन मिला तो वो उसका व्यक्तिगत अनुभव है, उसको मिला करके सभी आत्माएं की है। बाबा कहते हैं कि वहां पर एकत्व का तत्व बाबा बताते हैं कि अविभाज्य है, हम देखने के लिए एक दूसरे से अलग है, वास्तव में हम एक है। तो यदि सब आत्माएं एक है तो एक को गॉड रियलाइजेशन मिलने के पश्चात सबको मिलना चाहिए, पर गॉड रियलाइजेशन ऐसा नहीं है, वो व्यक्तिगत अनुभव है, इंडिविजुअलाइज सोल एक्सपीरियंस। तो इसको ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल सोल, व्यक्तिगत आत्मा के जो प्रयास है, तो इन प्रयासों को माया ने कभी भी हल्के में नहीं लिया, उनमें बाधा डालने का एक तरह से हम कह सकते हैं कि माया ने हमेशा पूरी कोशिश की। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 8 पर। या सो ऑन नाउ वी आर ऑन पेज 8। वेदर इन द शेप ऑफ एन इंडिविजुअल और एज ए कम्युनिटी और सोसाइटी और इन द गाइज ऑफ फॉल्स प्रेजुडिसेस एंड फैनाटिसिज्म, इट हैज थ्वार्टेड विद ए वेंजियंस द एफर्ट्स ऑफ मास्टर्स in their noble mission. ये लिखी कोट जो है उन्होंने सॉब्स एंड थ्रॉब्स के इसमें से लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में से मुझे ऐसा लगता है, पर है तो वो सॉब्स एंड थ्रॉब्स में से है। तो यहाँ ये कहते हैं चाहे एक व्यक्ति के रूप में या एक समुदाय के रूप में या समाज के रूप में या झूठे पूर्वग्रह और कट्टरता की आड़ में, आपके नेक्स्ट मिशन में जो असली है ईमानदारी का है, इसमें मास्टर्स जो है गुरु लोग गुरु के प्रयासों को प्रतिशोध के साथ विफल कर दिया है। कहीं वो अपनी कट्टरता के आड़े में रहकर सभी अपने पूर्व ग्रहों के कारण, कहीं ये झूठे पूर्व ग्रहों के कारण, हमेशा कभी ना कभी समय हमेशा ही ये जो समुदाय है समाज है, इसने गुरु के जो प्रयास है कि जीवात्मा को शिवात्मा तक के प्रवास में सहायता करना, इन प्रयासों को हमेशा विफल कर दिया है। मेहर बाबा इंटरनेशनल, मेहर बाबा इंटरनेशनल फ्री स्कूल मेहर आश्रम वॉज ए बोल्ड अनप्रेसिडेंटेड स्टेप मिरर्ड नाउवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। द स्कूल वॉज ओपन टू हिंदू मुस्लिम ज़ोरास्ट्रियंस जैन्स एंड क्रिश्चियन बॉयज। Although Baba would soon attempt to recruit Western boys from United Kingdom,
only one Christian boy was enrolled in 1928. A supreme watchword for the multi-faith boys attending Meher Ashram was tolerance. मेहर बाबा का अंतरराष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, अब जब हमारे इंटरनेशनल स्कूल खोला था, पहले हजरत बाबा जान स्कूल खोला था, फिर ये अंतरराष्ट्रीय उन दिनों ना 1927 की बात है, ये जो मेहर आश्रम बाबा ने किया था ये अत्यंत बोल्ड स्टेप थे, एकदम धारिष्यपूर्ण ये स्टेप ऐसी थे, ये अभूतपूर्व साहसी कदम था जैसा दुनिया में कहीं और नहीं देखा गया। कभी देखा नहीं गया कि सभी जाति धर्म के बच्चे यहाँ आकर के मुफ्त में शिक्षा पा रहे हैं और उनका मुख्य उद्देश्य, उनको परमिशन भी बॉम्बे प्रोविंस से ऐसी ही मिली थी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है आध्यात्मिकता और ना ही कि वर्डली पढ़ाई जो है इसका, तो इस तरह से ये बहुत साहसी कदम था। और उस समय में मेहराबाद में एनवायरमेंट वातावरण कैसा था कि ये अरंडा विलेज के लोग जो थे बहुत, जिसलो हम पिछड़ी जनजाति के कह सकते हैं, तो उनको ख्याल नहीं था अपना हेल्थ के प्रति, वो सजग नहीं थे, क्लीनलीनेस नहीं था, खाना भी मरे हुए जानवर चार चार दिन के वो खाते थे, शिक्षा का अभाव था और जो जाति विवाद था वो भी बहुत था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, बच्चों को शिक्षा का कोई ये नहीं था, बहुत अजीब अरणगांव का एनवायरमेंट उस समय का देखेंगे तो हॉरिबल था। धीरे धीरे बाबा ने उसमें कैसा बदलाव लाया, जो छोटे छोटे बच्चे आते थे तो उनको बुला के बाबा ये छोटी ट्रॉफी प्रसाद उतर के लेते हैं उनको देते थे, उस लालच में बच्चे आके बाबा के अगल बगल में बैठते थे तो बाबा उनको कहानियां सुनाते थे, तो बाबा ने पहले हजरत बाबा जान स्कूल किया, लड़कियों के लिए अलग किया, लड़कों के लिए अलग किया, उनको कपड़े भी पहनने के लिए दिए, यूनिफॉर्म दिया, स्कूल का मटेरियल दिया और जी खाने की व्यवस्था की। फिर जाति धर्म को मिटाने के लिए बाबा ने कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे बाबा ने किया स्लोली स्लोली, क्योंकि वो विवाद और उनका विरोध को भी सह के बाबा को आगे जाना था, ये पहला कदम था बाबा का और कोशिशें थी। बच्चों का भी स्कूल अलग किया था, फिर इतना कोशिश करने के बाद बच्चे बाबा देखते थे घर जाके वही गंदा खाते है, पूर्ण गंदगी करते हैं, क्लीनलीनेस में वो रहते नहीं है, तो फिर बाबा ने उनके रहने की और खाने की भी सुविधा वहीं पे बोर्डिंग स्कूल बाबा ने किया जिसमें मुफ्त व्यवस्था की थी, तो ये बहुत सराहनीय तो है ही, लेकिन वो अभूतपूर्व था, साहसी था। ऐसा स्कूल की जहाँ हिंदू मुस्लिम पारसी जैन ईसाई लड़कों के लिए सबके लिए खुला था, हालांकि बाबा जल्द ही यूनाइटेड किंगडम से पश्चिमी लड़कों को भर्ती करने का प्रयास करने वाले थे, लेकिन 1928 में केवल एक ही ईसाई लड़का इस स्कूल में भर्ती किया गया था, क्या नाम था उसका भी याद नहीं आ रहा है, वो आगे चल के उसने काफी सारा तकलीफ दी बाबा को, लेकिन वो हम देखेंगे आगे इसी किताब में जब छगन मास्टर की डायरी हम पढ़ेंगे तब ये जो ईसाई लड़का और उसके बारे में हम और जानेंगे। तो लंदन से केवल एक ही लड़का ये स्कूल में था, टीनएजर्स सैयद अली। टीनएजर्स सैयद अली एस्फांडियर वैशाली एंड अब्दुल्ला पकरवान केम टू द आश्रम कॉलोनी from very different family circumstances. Ali's father was a tea shop merchant in Bombay. Esfandiar's parents were farmers in Jafarabad in Persia, and Abdullah or feigned at an early age was being raised by an aunt and uncle in Bin Linga in Persia. एक रिक्वेस्ट है, 3-4 इंच जरा पीछे कर ले कंप्यूटर को, नहीं तो डिस्टरबेंस आती है ऑडियो में, शायद वो या थोड़ा सा देखता हूँ मैं ऑब्जर्व करके, या ओके प्लीज ओके 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 अब ठीक है, आवाज आ रही? यस बेटर, आवाज आ रही सर अभी? यस मच बेटर, अभी डिस्टरबेंस कम हो गया पीछे करने से, पीछे ग्रेट थैंक यू। तो मेहराश्रम में भाग लेने वाले जो बहुधार्मिक लड़कों में
सहनशीलता, बहुत सहनशीलता थी, बाबा को बहुत प्रेम करते थे, आज्ञाकारिता भी थी। किशोर वहीन ये सब लड़के थे, 9 से 12 उम्र के, वो एज का बाबा ने उसमें नियम था कि इसके नीचे नहीं इसके ऊपर नहीं, ऐसा नियम था 9 से 12 जैसा हम क्रिएशन एंड पॉजिस में होते हैं। तो ये जो किशोर वहीन, सैयद अली, असफल दाय वैसी और अब्दुल्ला पकरवान, जिनमें अब्दुल्ला पकरवान थोड़े उम्र में जा रहे थे, 14 साल के वो थे, बहुत अलग पारिवारिक स्थितियों से ये बाबा का मेहर आश्रम में रहने के लिए आए थे। अच्छा, अली के पिता, अब इनमें से कौन कौन कैसे पारिवारिक, इनका बैकग्राउंड क्या था, ये यहाँ पर दिया है। अली के पिता बंबई में चाय की दुकान के व्यापारी, ठीक है, आगा अली या अली सैयद, उनकी चाय की दुकान। असफल दाय के माता पिता फारस के जाफराबाद में किसान थे, किसान परिवार से असफल दाय था। और अब्दुल्ला पकरवान जो कम उम्र में ही अनाथ हो गया था, उनका पालन पोषण, अब्दुल्ला पकरवान का पालन पोषण पर्शिया के बिनलिंगह में उसकी चाची और चाचा द्वारा किया जा रहा था। ये ऑर्फन था और अब्दुल्ला पकरवान स्वयं वो बाबा के एडवर्टाइजमेंट किताब में देख के कितनी हिम्मत, उन दिनों में देखो जो अनाथ बच्चा है उसे पाल रहे उसके चाचा चाची, वो बच्चा पर्शिया से लेके अकेला मेहराबाद चला आया। उस दिन उसका वर्णन किया है वहां पर कि वो चलते थकके आया था, तो पहले बाबा ने कहा इनको कि हालांकि इसका जो एज क्राइटेरिया से वो ऊपर का है, लेकिन इसको दाखिल कर लो, उसको वो स्कूल में रखा था, पहले इसको नहलाओ, खाने पीने को दे दो, ऐसा सारा प्रबंध, उसका एंट्री हमने इसमें देखी थी उसके बारे में। आगे चलते हैं स्पिरिचुअलिटी। Spirituality and related discourses were to be integrated into the general education instruction followed at Meher Ashram. An Oxford approved high school curriculum was to be followed with the students, and relevant exams were to be given to measure their progress. मेहर आश्रम में पालन की जाने वाली सामान्य शिक्षा में आध्यात्मिकता और संबंधित प्रवचनों को एकीकृत किया जाना था। मतलब क्या कि यहाँ पर जो भौतिक जगत में जो शिक्षा उपयोग में आती है वो भी शिक्षा दी जाती थी और आध्यात्मिक शिक्षा भी उनको दी जाती थी। जो जो एरिया से जो बच्चा आया है, कोई से है, कोई पर्शिया से है, कोई लंदन से है, कोई बम्बई से है, भारत के विभिन्न भागों में से है, जो जिस प्रदेश से आया है उस प्रदेश के जो साधु संत है, जो पॉपुलर है, जो परफेक्ट मास्टर है, उनकी कहानियां उनको सुनाई जाती थी, उनके चरित्र उनको बताए जाते थे, जिसका बड़ा इम्पैक्ट, प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता था। तो ये बाकी करिकुलम भी था, जैसे मैथ्स है, साइंस है, इन सारे सब्जेक्ट भी थे, उसके साथ में उनको आध्यात्मिकता भी उसमें पढ़ाई जाती थी। छात्रों को ऑक्सफोर्ड द्वारा अनुमोदित हाई स्कूल पाठ्यक्रम का पालन करना था और उनकी प्रगति को मापने के लिए प्रासंगिक परीक्षाएं देनी थी। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये सब, क्योंकि तभी अंग्रेजों का राज था और बॉम्बे प्रोविंस से में ये आता था, तो ये ऑक्सफोर्ड से इनको परमिशन मिला था और इनकी समय समय पर एग्जाम होती थी। और उस समय में इस स्कूल की जो इंस्पेक्शन हुई, तब जो इंस्पेक्टर ने रिमार्क दिया कि इतना सुंदर और इतना ऑलराउंड, मतलब सभी तरह से जिस प्रगति ये बच्चों को करवा रहे हैं, इतनी सुंदर स्कूल जगत में कभी भी मैंने कभी नहीं देखी, ऐसा रिमार्क वो इंस्पेक्टर डाल के गया था। क्योंकि हमने देखा है वहां पर बाबा इतना, मतलब नगर में कोई फिल्म आएगी तब बहुत रहती थी, या कोई अच्छी फिल्म आएगी या कोई अच्छा नाटक आएगा तो बाबा बच्चों को स्वयं लेके जाते थे दिखाने के। उनके यहाँ बच्चों को भी करवाया जाता था, नाटक करवाया जाता था, साइंस के, भूगोल, ज्योग्राफी का, खेल कूद का, विविध प्रकार की शिक्षा उनको दी जाती थी। यहाँ तक कि बाहरी जो जगत है, कोर्ट कचहरी, ये तो किसी स्कूल में और कॉलेज में अभी भी नहीं पढ़ाया जाता है, एक्सेप्ट जो लॉ सब्जेक्ट लेते हैं। तो उस समय बाबा ने ये बच्चों को कोर्ट कचहरी और क्या होता था, इसके लिए बाबा क्या करते थे कि बच्चों का अपना कोर्ट बनाते थे,
उसमें बच्चा ही जज रहेगा, बच्चा ही लॉयर रहेगा, बच्चा ही फरियादी रहेगा और बच्चा ही ये रहेगा। और इनका एक महीने में एक बार दरबार भरता था, एक कोर्ट भरता था, और उसमें सारा प्रैक्टिकल जो कोर्ट कचहरी उसमें बाबा बच्चों को सिखाते थे। इतना वैविध्यपूर्ण वो शिक्षा थी ऑलराउंड, वो फिजिकल भी और ये भी, साइकोलॉजिकल भी, उनको खुश रखना है, ये सारा इतना ख्याल रखा जाता था कि इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा इस तरह का इतना बारकाई से हमने थोड़ा बहुत क्रिएशन एंड कॉजेस में उसका पढ़ा भी है। तो इस तरह से वहां पर उनको समय समय पर उनकी एग्जाम, यूनिट टेस्ट वो भी हुआ करती थी। जी सर। Within months of starting Meher Ashram, however, Meher Baba would find it necessary to establish a satellite Prem or Love Ashram in response to the exploding levels of divine love erupting within the number of boys. हालांकि Meher Ashram शुरू करने के कुछ महीनों के भीतर कई लड़कों के भीतर फूट रहे दिव्य प्रेम के स्तर के जवाब में मेहर बाबा को एक और स्कूल प्रेम आश्रम स्थापित करना आवश्यक लगा। जैसे हम देखते हैं कि मुख्य उद्देश्य बाबा का इनको ये भौतिक शिक्षा देने का था ही नहीं, और जैसे जैसे उन बच्चों का विकास होते गया, आध्यात्मिकता में उनकी रुचि बढ़ते गई, उनका रुझान बढ़ते गया, उनको खेल कूद में मजा नहीं आता था, खाने पीने में नहीं मजा आता था, तो ऐसे बच्चों का अलग करके उनका प्रेमाश्रम के बाबा ने स्थापना, Baba from the start openly admitted his intention of instilling divine love instilling divine love in those boys who were inspired and receptive, although he recognized the need to raise the intelligence of the boys to equip them for worldly life. That curriculum track was secondary to imparting the real truth of spirituality. बाबा ने शुरू से ही खुले तौर पर उन लड़कों में दिव्य प्रेम पैदा करने के अपने इरादे को स्वीकार किया, जो प्रेरित और ग्रहणशील जो बच्चे तैयार थे उसके। जैसा हम देखते ना कि इफ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, तभी आप सदगुरु का आशीर्वाद पा सकते, उसकी कृपा पा सकते, सदगुरु अपने आप आपको ढूंढते आएगा जब हम उसके लिए तैयार हैं। तो जो बच्चे इस आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए तैयार थे, उसके लायक थे, तो उनमें ये दिव्य प्रेम पैदा करने के लिए बाबा ने पहले से ही अपना ये इरादा बता दिया था कि ऐसे जो ग्रहणशील लड़के हैं उनमें वो दिव्य प्रेम की चिंगारी ज्वलित करेंगे। हालांकि उन्होंने लड़कों को सांसारिक जीवन के लिए तैयार करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की आवश्यकता को पहचाना, लेकिन आध्यात्मिकता की वास्तविक सच्चाई प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम ट्रैक गौण था उनके लिए। आज उनको जीवन जीने के लिए जो जरूरी है भौतिक शिक्षा वो दी जाएगी, परंतु प्रायोरिटी किसे लिए थी, इम्पोर्टेंस, अहमियत, महत्व किसका था, आध्यात्मिक शिक्षा ही महत्व था, और इसी को उजागर करके वो परमिशन ली थी। अब आज की तारीख में कोई स्कूल खुलता है और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए परमिशन मांगेगा तो शायद उसे मिलेगी भी नहीं। और इस तरह की आध्यात्मिक शिक्षा की जो जाति धर्म पंथ से परे है, तो बाबा का उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि टॉपमोस्ट इम्पोर्टेंस वॉज फॉर द स्पिरिचुअल एजुकेशन, बहुत आध्यात्मिक शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। मेहर बाबाज सर्च फॉर द परफेक्ट बॉय बिगैन विद द ओपनिंग ऑफ द मेहर आश्रम इन 1927। दैट सर्च वुड स्पैन कॉन्टिनेंट्स एंड कंटिन्यू फॉर 30 ईयर्स। मेनी ऑफ बाबाज डिसिपल्स बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न would bring boys to him throughout the years, but none of them fully measured up to Baba's criteria. Thank you, sir. तो जैसा हम सबको पता है कि कई साल तक बाबा एक आइडल बॉय, अच्छा परफेक्ट बच्चे की तलाश में बाबा थे,
और ये तलाश कई दिन जारी रही। ये तलाश तब शुरू हुई 1927 में मेहर आश्रम जब खुला, तब ऐसे आइडल बॉय की तलाश शुरू हुई और कई 30 साल तक बाबा ऐसा आइडल बॉय ढूंढते थे कि एक उनको परफेक्ट एक लड़का चाहिए था, और जिसके लिए देश विदेश कहाँ कहाँ खोज की गई है हम सब जानते थे। तो बाबा के परिपूर्ण परफेक्ट लड़के की खोज 1927 में मेहर आश्रम के उद्घाटन के साथ शुरू हुई। यह खोज महाद्वीपों तक फैली और 30 वर्षों तक जारी रही। हमें पता है कि महाबलेश्वर के वो देहात, वहां से वो बच्चा आया था 6 दिन रहा, और कहां से एक बच्चा आया था वो भी कुछ दिनों तक रहा, और ये कई कॉन्टिनेंट्स में देश में विदेश में कई जगह इस प्रकार से इस बच्चों की खोज जारी रही। 30 वर्षों तक ये खोज जारी रही और बाबा के कई शिष्य पूर्वी और पश्चिमी दोनों कई वर्षों तक उनके पास लड़के लाते रहे, लड़के की खोज करते रहे। जो फॉरिनर्स है, यहाँ के है, ईस्टर्न से, सबने वो बच्चों की तलाश की और एक एक बच्चे को वो बाबा के पास लाते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से बाबा के मापदंडों पर खरा नहीं उतरा। तो किसी को भी बाबा ने जिस तरह से उनका बच्चा चाहिए था उस तरह सा एक भी बच्चा उनको नहीं मिला। आगे हम पेज नंबर 9 पर है। Now on page 9, instilling, nurturing and retaining the heightened level of spiritual bliss achieved by the ashram boys in Baba's company is beyond our normal grasp. बाबा की संगति में आश्रम के लड़कों द्वारा प्राप्त आनंद के उच्च स्तरों को स्थापित करना, बढ़ावा देना और बनाए रखना हमारी सामान्य समझ से परे, यही सब कुछ आ गया। जिस प्रकार का वो स्तर उनका बढ़ गया था, आध्यात्मिक स्तर, जिस प्रकार का प्रेम इन बच्चों में इस तरह हो गया कि आगे चल के वो कहते हैं, हम भी देखते हैं अष्टांगायी वेसी की फोटोज और वीडियोस, इतना शांत प्रेम भाव उनके चेहरे पर है, आंखें हमेशा झुकी हुई कि उनकी अगल बगल में अपने आप वो प्रेम प्रसारित होता। तो इतना कि वो हमारे समझ के परे है, ये शब्द में सब कुछ। Yeah. Okay. Now just 3 minutes left to 7. So what is to be done? You are muted. Sorry. You are muted. Sorry. ठीक है। तो हम यहाँ रुक जाते हैं सर, शायद 3 मिनट में हमारा ये हो नहीं पाएगा। yes, नहीं होगा। और या हो जाएगा, मुश्किल है तो नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे मुझे तो लगता है हमें जो मेहर कृपा जी की जितनी तारीफ करनी चाहिए उतना कम है। ऐसे समय में आपके बाबा क्या जो है, और ये जो पुराने हम इतने सालों से बाबा लवर है, इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं। बाबा का काम डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, और वो डिसकंटिन्यू होने के आपके जो है भौतिक जो आपकी जो जिंदगी है उसमें आपको रिफ्लेक्शन में दिखलाई देने लगे। तो इस वजह से ही और प्रेम भी है जो बाबा से, और इतना जो काम कर रही है इस वक्त बाबा का, तो लगातार वो जो एक एनर्जी साथ में बाबा की चल रही है, तो ये मैं कैसे कहूँ कि अभी वहीं से लौटी है, उसके तुरंत बाद यहाँ आई है, और मेरे लिए सोचना भी मुश्किल है सारा सब कुछ जो ये कर रही है। ये सब बाबा की कृपा है, और ये कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट शी अभी फील हिज एग्जिस्टेंस एक्सपांडिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग, वो ही कर लाते हैं। हम तो प्रिपेयर रहते हैं कि भाई चलो इमरजेंसी है, कि डॉक्टर साहब को बोला, उनके भी कठिन प्रसंग है, वो भी ज्वाइन किया है, लेकिन फिर वहाँ मेहमान जी सब बात करते थे तो उनको बोला सॉरी आपकी आज्ञा लेते हैं, एक लेक्चर सुनना है, तो हमने ठीक है जाओ लेक्चर के लिए पहले, और फिर सोचा बात यही करते हैं।
और कोई बात नहीं, दादा तो तभी खुशी हुई तो होगी कि ये सब काम चारू जारी है, यही चाहते हैं आपसे और बाबा का काम कर रही हैं आपको, उससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि जैसे हम बात करते हैं तो जो नए समय का है तो यही श्रद्धांजलि। बिल्कुल बिल्कुल। और जब दादा शरीर में थे तब भी मैं हमेशा उनसे कहती थी और बाकी लोगों को कि दादा अभी हमको कुछ भी देने की आवश्यकता, मेरे शादी में भी वो बहुत इंसिस्ट किए थे गहना वहना कुछ नहीं चाहिए, ये भंगार जो आपने दिया ये जन्म जन्म की गिफ्ट हो गई है हमारे, शुरू करते हैं अवतार में बाबा की जय। थैंक यू बाबा, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। O Parvardhikar, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end. None dwell beyond comparison and none can measure. You are without color, without expression, without form and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest. On all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge. All knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one. The highest of the high, you are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazda, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repeat, O God, most merciful. For all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbitings. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failure to and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. Thank you.
जय बाबा, अवतार मेहर, जय बाबा, अवतार मेहर जहाँ कल्पना शब्द ना पहुँचे, ऐसे अपरंपार नेति नेति कह वेद उकारे, महिमा तोरी अपार, दिव्य सनातन परम दया घन, दिव्य सनातन परम दया घन, हे जगद धारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, ओ धूप दीप चंदन चरचाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करूं मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्वता रणहारे हो, तुम समोर नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंतन कोई पाया, तुम हो अनंत खरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुमरो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, सीमा नाही तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, दिव्य सनातन परम दया घन, तारो मेहर मन आरती स्वीकारो, मेहर मन आरती स्वीकारो, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, थैंक यू बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, थैंक यू बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, बाद में बात करते हैं, बड़ा दुख है बाबा, जय बाबा, पहले हैं सब, जय बाबा, आई थिंक सैम पटेल, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, सैम पटेल हैज रेज्ड हिज हैंड, सो
सैम जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी दीदी, कब तक है मेरा बात? लग पे बिंती है, एक बार सुनते हैं सैम भाई को। जय बाबा सैम पटेल जी। मुझे एक ही चीज कहनी है, जब आज सुबह हमारे सेंटर पे ये समाचार आए कि बड़े साहब बाबा के पास चले गए, तो द ओनली थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज, मेरे दिमाग में एक ही उनका जो वीडियो था, वो ही वाज टेकिंग बाबाज नेम व्हेन ही वाज ब्रीदिंग वगैरह, तो द ओनली थॉट दैट केम टू माय माइंड वाज he is a winner, वो अपने जीवन की बाजी को जीत के तार मेहर बाबा की जय। तार मेहर बाबा की जय। आपके फादर बिल्कुल सही है, और ये जीवन भर वो ऐसा ही करते थे, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, चलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बाबा का नाम हमेशा रखते थे, कुछ भी हम कहे तो यही बाबा से रिलेटेड होता था, तो ये जीवन भर की आदत आखिर में डेफिनेटली उनके काम आई, और बाबा की ये अहम कृपा के बिना नहीं हो सकती। बाबा बहुत उनसे प्रेम करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं, और उसके कारण ये अंत तक बाबा का नाम रटते रटते बैठे बैठे हम चले गए। अरे दीदी एक मिनट का टाइम है, मेहर कृपा दीदी, आज हमने सपने में देखा, लखनऊ में मेहर ज्योति दीदी है ना, और समझिए कई सालों के बाद आज उनको हमने सपने में देखा। अब हमें क्या पता, ये तो पता था कि आपके फादर की तबीयत नहीं ठीक चल रही है, लेकिन जब हमें पता लगा बड़ा दुख हुआ कि देखा मेहर ज्योति दीदी को हमीरपुर वाली जो लखनऊ में है इस समय, तो फिर जब जय बाबा।